हिमाचल होमगार्ड तथा फायर सर्विसेज के संयुक्त तत्वावधान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में उपायुक्त कार्यालय परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में आग लगने पर सर्वप्रथम अपना बचाव कैसे किया जाए तदुपरांत भवन में फंसे लोगों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए इस पर होमगार्ड और फायर सर्विसेज के कर्मचारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीढ़ियों पर रस्सी की सहायता से भवन में फंसे घायल व्यक्तियों को बाहर निकाला व उन्हें प्रथम उपचार के उपरांत नजदीकी अस्पताल में भेजा। हिमाचल होमगार्ड तथा फायर सर्विस के संयुक्त तत्वावधान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में उपायुक्त कार्यालय परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में आग लगने पर सर्वप्रथम अपना बचाव कैसे किया जाए तदुपरांत भवन में फंसे लोगों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए इस पर होमगार्ड और फायर सर्विस के कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीढ़ियों व रस्सियों की सहायता से भवन में फंसे घायल व्यक्तियों को बाहर निकाला व उन्हें प्रथम उपचार के उपरांत नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त सिद्धार्थ आचार्य ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान नुकसान को कम करने के लिए जन जागरूकता अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जागरूकता एवं क्षमता निर्माण अभियान समर्थ 2019 11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बेहतरीन प्रबंधन और पूर्ण तैयारियों के साथ आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान आम जनमानस को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां व कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में मॉक ड्रिल व अन्य गतिविधियों के माध्यम से आपदा प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण देकर जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर आमजन को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक दलों द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान टोल फ्री नंबर 1077 पर डायल करके सूचना दे सकते हैं। इस अवसर पर DRO देवीराम, PO DRDA संजीत सिंह, DSP संजय शर्मा के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।